गड़बड़ कर दी। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं। गुस्सा क्यों? क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी अम्मी की है। तमीज और तहजीब तो छोड़ो, सड़क पर चलने का सलीका तक नहीं सिखाया उन्होंने। आप हमारी अम्मी तक मत जाइए। सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उन्हें तुम्हें अदब तो सिखाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से सारे नींबू गिर गए और आपकी वजह से औरत चली गई। अल्लाह, दूध के दांत गिरे नहीं, औरतों का पीछा कर रहे हो। ईश्वर की बिना हद होती है। रे, रे, रे। क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? ठीक है, जानती हैं आप हम कौन है तो क्यों कान पकड़ रही हैं आप? और क्या बदतमीजी कर रहे हैं? किस बात की शर्म? हम जिस औरत के पीछे जा रहे थे वो हमारी। तुम्हारी क्या? आपको क्यों बताएं? बुजुर्ग औरत। बुजुर्ग? मैं तुम्हें बुजुर्ग लगती हूँ? हाँ, ये मेला दिल, कड़वी जुबान और दांत भी नकली है ना आपके, है ना? अगर तुम हमारे तालीफ घर में होते ना तो अभी तक तुम मुर्खा बना दिया होता हमने तुम्हें। अच्छा, सही खेल गए। तालीम घर में बच्चे इंसान बनने जाते हैं और आप उन्हें मुर्गा बनाती हैं। कैसी अजीब औरत है आप। अरे तुम्हारी अम्मी से तो बेहतर ही है। ओ, फिरा मेरी अम्मी पर गई। मेरी अम्मी बनना चाहिए। देखिए तुम्हारी अम्मी को पूछ ले। अरे वो मक्खन मलाई किधर गया? आप अपने साथ मक्खन मलाई भी लेके आई हैं? अरे पहले क्यों नहीं बताया? मैं थोड़ा सा कुछ। ए शाने, कौन सी जुबान है? आका कहाँ गया होगा? कहीं बैठकर ठूस रहा होगा या अपने पैर दबा रहा होगा। चलो ढूंढे। चलो। ए रुक, तू ऐसे मामू बन के चलेगा? मामू मतलब? उफो, उसका मतलब है कि हम यहाँ सुल्तान का ताज चुराने आए और इसलिए हमें सबकी नजरों से बचकर रहना है। और इस होलिये में तो समझे, ताज क्या? यहाँ के लोगों को खूबसूरती की कोई कदर ही नहीं है। लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। ए लड़की, इधर आओ। लड़कियों, जरा इधर तो देखो। ए पीड़ू, ये क्या तेरा धुआं गिरगिट की तरह बदलता है? सब खाते हैं सेम और चिरूजी। मैं हूँ ची 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 चिरूजी, ची 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 चिरूजी। ए यास्मिन, ये तो अलीबाग से आया लग रहा है। मैं अलीबाग से आया लग रहा हूँ। तोती को चोरनी को क्या पता कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं? कपड़े ऐसे पहने जाते हैं। है, अब मैं चला आका को ढूंढने। चलो चलो चलो। मेरी अम्मी को फिर से कुछ मत बोली। हाँ, हमारी अम्मी को कुछ नहीं कह रही हूँ, बता रही हूँ। तो मैं सिर्फ आप अम्मी। अरे बाप, अरे बाप, क्या किया आपने ये? रे रे रे, देखिए क्या किया आपने। देखिए देखिए, बुजुर्ग औरत। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम तीनों को देखा है पहले? अरे पिडलोग, क्या घुरा घुरी चल रही है? ए पिडू, ये खतरनाक थोपड़े वाला चिरकुट कौन है रे?
हर कोने खोपचे में इसकी तस्वीर लगी है। कौन है? इस दड़ियल को देख के हमको लगता है कि ये कोई हमारा पुराना दोस्त होगा। क्या कोई पुराना दुश्मन? जो भी हो, हमें क्या? जिस मुल्क में खड़े हो वहां के बादशाह को नहीं पहचानते? ये सुल्तान सफर, आपको तकलीफ हुई हो तो माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, पर इस लड़के की अम्मी से मिली तो उनसे जरूर पूछूंगी इसे कुछ सिखाया क्यों नहीं। और हम जब आपके बेटे से मिलेंगे ना तो हम भी पूछेंगे कि आप जैसी अम्मी के साथ वो कैसे रह लेता है। ए मीडू लोग, इधर उधर की फालतूगिरी में ताज की चोरी मत भूल जाना। हम परिंदों से बात नहीं करते। वैसे बात तो इसने सही कही, हमें महल चलना चाहिए। हाँ लेकिन महल है कहाँ, पता तो चले। यहाँ से बाएं जाएंगे, दो मोड़ छोड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, सीधा महल। तेरे को कैसे पता? क्योंकि आखा लोगों को सब कुछ पहले से ही पता होता है। अब चले। देखो चोरनी क्या है ना, तुर्किस्तान में हमें ले जाने के लिए हमारे नौकर होते, और यहाँ हमें ले जाने के लिए हमारे जादुई चिराग के जिद जिद जिनू जी अपने जादू से ले जाएंगे। क्या कर रहे हैं आका, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं कोई जिन्न नहीं बल्कि आम इंसान हूँ। यहाँ पे मेरा जादू नहीं बल्कि हमारे पैर पैर चलेंगे। हाँ भिड़ू, किसी ने देख लिया तो लोचा हो जाएगा। लालच बला अजीब है, लगता है कयामत करीब है। वो देखो चिराग तो सोने का मालूम पड़ता है। जहाँ सोना वहाँ हम। ये सब क्या उस्ताद जी? जश्न शागिर्द की तैयारी है। पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप तो किसी से भी कह सकती हैं। हमें जवाब देते लोग अच्छे लगते हैं, सवाल करते नहीं। जाइए और कल के मुकाबले के लिए तालीम घर के 5 उम्दा बच्चों के नाम लिख कर लाइए। जाइए। अब जैसा आप कहें। बड़ी उस्ताद, सब कुछ मिल गया? सब कुछ मिल गया है चुलबुल्ले। अब हमारी सुरंग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बच्चों को बचाइए, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं सुरंग का काम शुरू करता हूँ। मैं इस तालीम घर के किसी बच्चे पर आज नहीं आने दूंगी सफर। चुलबुल मेरे साथ है, शिफान और कोयल भी पहुंचते ही होंगे। रुको, हम जाते हैं पांच घर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पड़ोसी के घर पे एक कटोरी चीनी ले जाना हो। ए भाई, सफर सुल्तान है, हम भी तो होने वाले सुल्तान है ना, आएंगे बात करेंगे, वो हमें ताज दे देंगे। बेचारे
सुल्तान फिरोज, इकलौता लड़का अकेला हो गया। मेरा कुछ चाहे तू। फिक्र मत करो, हम जा रहे हैं ताज महल। तुम ख्वाब में हो गया या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अंदर जाओगे, सुल्तान से उनका ताज मांगोगे, वो अपना ताज उठाएंगे और तुम्हारी ताजपोशी कर देंगे। हाँ, मतलब हमने तो ये सोचा था। तुम चोरनी हो और हम शहजादे हैं, ये बड़े लोगों की बात है, तुम्हें समझ में नहीं आई। और हमारी खूबसूरती और अदाओं को देखकर अच्छे अच्छे हमारे दीवाने हो गए हैं। तुम्हें सुल्तान का ताज लाना है, उनसे निकाह नहीं करना। और वैसे भी मैंने सुना है कि सुल्तान जफर बहुत ही ताकतवर और सन की किस्म के शख्स हैं, और वो अय्यार हैं, ऐसे उठाकर तुम्हें अपना ताज नहीं दे देंगे। इस ताज को हासिल करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, और 18 साल पहले हमारी जीत, और 18 साल पहले हुई अलादीन और सुल्ताना यास्मीन की हार का सबूत है। हम किसी की भी जान ले सकते हैं, लेकिन ये ताज किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, माना कि वो सुल्तान सफर बहुत बड़े अय्यार हैं, लेकिन तुम कहां से ताज चुरा लोगी? ये तो नामुमकिन। नामुमकिन, ये लफ्ज तो मैंने सीखा ही नहीं। तो काम नहीं किया? ले 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 ले। हमारी बाहों में आने का बहाना ढूंढते रहती हूँ। और सुनो, ये कोई आम दीवार नहीं है कि कोई भी मक्खन मक्खी चढ़ जाएगा, महल की दीवार है। अब लगता है शहजादे को मैदान में उतरना पड़ेगा। देखा टोटी और छोड़नी, आपका बिल्कुल सही बोलती। बस, आप लोग लड़ क्यों रहे? देखिए, हमारी मंजिल एक है, तो सुना कर लेते। एक काम करते हैं, मेरे जादू से महल के अंदर चलते हैं, सारे इंतजाम देख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं, ठीक है? मंजिल मंजिल। दो दिन में नया अलादीन हमारे पास होगा, वो हमें अपने मकसद यानी काले चिराग तक ले जाएगा, हासिल कराएगा। आज तो है ही हमारे पास, और जल्द काला चिराग होगा। इससे बेहतर तो यही है कि मैं अकेले अंदर चली जाऊं, मुझे जादू की मदद नहीं चाहिए। और हमें इस काम को पूरा करने में और देर नहीं करनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हमारे साथ रहने की आदत ही पड़ गई? साथ ही ऐसा रापचिक हो तो उसकी आदत पड़ ही जाएगी ना बिडू। चटर पटक। यास्मीन, मेरा बच्चा है तू। हाँ पता है। जीनू जिन, हम सबको अपने जादू से महल के अंदर ले चलो। जिन जिन, ये तो ऐसे कर रहा है जैसे ये जिन है ही नहीं। ये जिन है, लेकिन इसके आका हम है हम, तुम नहीं। ये हमारा हुकुमान है, तुम्हारा नहीं। जिनू, छेला छेला बाका बाका, क्या हुक्म है मेरे आका का? हमें महल के अंदर ले जाया जाए। जो हुक्म मेरे आका,
सितारों से आसमां को चमकाना है, हमें महल के अंदर जाना है। जादू क्या वो? ये जादू क्यों नहीं काम कर रहा? क्या चक्कर पड़ गया? फुस पटाके? अरे चुप करने जाने दो। हम परिंदों से बात नहीं करते ना? हमें अभी ऐसे क्यों लगा जैसे हमने किसी को देखा हो? चले बड़ी उस्ताद काम शुरू करें। चलो ये सुरंग जश्न शागिर से पहले तैयार हो जाएगी ना? हाँ बड़ी उस्ताद। ये आर्या पार खुद से भी चल सकती है। इस तालीम घर के हर बच्चे की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी, एक एक को बचा लूंगी। पर देखो जी, अगर तुम हमारी इज्जत बना कर नहीं रख सकते हो तो हमारे साथ मत रहो। हाँ हाँ, इज्जत का फालूदा समड़ी में जाके करने का, सबके सामने नहीं। परिंदों से बात नहीं करते। लालच भला अजीब है, लगता है कयामत करीब है। चलो इनसे सोने का चिराग छीन लेते हैं। चलो हमारे पास एक और मौका है, हमें महल के अंदर ले चलो। बेइज्जती मत करवाना। मैं इस बार कोशिश करूंगा, पर अगर इस बार नहीं हुआ ना तो मैं गाना छोड़ दूंगा। सच्ची? तोड़ूंगा मैं हर दीवार महल के अंदर। चलो ना यार। तूफान कैसा? चलो हाथ पकड़ो। चलो चलो चलो, अब ये हवा तेज होगी और हमें महल के अंदर ले जाएगी। जाने आज इस मौसम को क्या हो गया।
मौसम का नहीं, आज का जुनून है। अरे महल के अंदर का हिस्सा भी बाहर जैसा ही है, है? चटर पटर, हम बाहर ही हैं। नहीं 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 नहीं, आका यहाँ मस्ता मेरे जादू का नहीं है, बल्कि ये महल एक तैयार का है, इसलिए मेरा जादू काम नहीं कर रहा। हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो हम सब मारे जाएंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए, कुछ सोचकर वापस लौट के आएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.